खबर रीवा से। जितेश रावत के कार्यालयीन क्रियाकलापों एवं अन्य कर्मचारियों से दुर्व्यवहार को लेकर ज्ञापन देते हुए बताया गया कि स्थापना अनुभाग की मनमानी के कारण नर्सिंग कर्मचारियों को आज दिनांक तक हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उक्त समस्याओं के संबंध में तथा स्थापना अनुभाग लिपिक जितेश रावत के कार्यालयीन क्रियाकलापों एवं अन्य कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में दिनांक 6/9/2021 को नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा समुचित रूप से जानकारी दी जा चुकी है, जिसमें उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया था, किंतु संबंधित लिपिक के क्रियाकलापों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे संस्था की छवि तो धूमिल होती ही है, साथ ही महाविद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में भेदभाव की स्थिति भी महसूस हो रही है। दिनांक 13 सितंबर को फिर से एक बार सभी नर्स एकत्रित होकर कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जितेश रावत को स्थापना शाखा से तत्काल अन्यत्र पदस्थ करते हुए कर्मचारियों के रुके हुए सभी प्रकरणों को निराकृत कराने के कष्ट करें, ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके। बजाज भी है, इंदुलकर भी है, मनीष का नंबर है, कौन मनीष काला काला हाथी है। विज्ञापन में जो इनका मेन मुद्दा जो था कि समयमान वेतन में जिन भी कर्म नर्सिंग स्टाफ को नहीं समयमान वेतन लग पाया है तो उनके मन में एक ये था कि जो हमारा स्थापना का जो बाबू है वो काफ़ी डिले कर रहा है, तो उसके हम ये देखते हैं कि डिले किन कारणों से हो रहा है, कि वहाँ प्रक्रिया में क्यों लेट हो रहा है, और स्थापना में जो हमारा बाबू है अभी वर्तमान में हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हो रही है, तो अधिकतर वो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये साथ में ये पैरेलल हम प्रक्रिया इसको करेंगे। दूसरा जो इनका मुख्य जो कंप्लेन है उनका ये कहना है कि उसका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो प्रतिकूल नहीं है, कि हमारे नर्सिंग स्टाफ से हमारे सीनियर फैकल्टी भी बहुत अच्छे से बात करती है, और हम नर्सिंग स्टाफ में से काफ़ी परिचय है हम लोगों को, और वो नर्सिंग स्टाफ का कहना सही भी हो सकता है, तो हम उसकी ही व्याख्या करने के लिए कि उसके व्यवहार कुशल है या नहीं है, इसके लिए कमेटी बना रहे हैं जो कि 3 दिन में हम लोगों को अपना जवाब देगी, जवाब पेश करेगी, उसके आधार पर फिर उसको हम निकालने की प्रक्रिया करेंगे, उसकी जगह बदल देंगे। काम हाँ? सेवज में पैसे की मांग भी करते हैं, ऐसा तो किसी ने लिखित में अभी नहीं दिया हम लोगों को, केवल उसके जो व्यवहार है उसके बारे में हमें बताया गया है, तो लिखित में हमें मिला है कि इनका उसका जो व्यवहार है वो काफ़ी ठीक नहीं रहता है, और कई लोगों ने हमें बताया कि जब वो उनके कक्ष में पहुँचते हैं ये लोग तो उनको बातों बातों में गेट आउट कहना या अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं करते, जिला में उनको बाबू के पद पे बैठाया गया है, उनको वहाँ से वापस स्टोर की तरफ पिक करने का नर्सों ने मांग की, उसके क्या लगे? हाँ, वो हम देखते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या है, किन बातों को लेकर आए हैं? मेडिकल कॉलेज में एक स्टोर कीपर है जिसे एस्टेब्लिशमेंट में बाबू का काम दिया गया है, उसका नाम जितेश रावत है। वो जब से बैठा है वहाँ पे वो सारी नर्सों के साथ मिसबिहेव करता है, काम नहीं करता है, बहुत सारे काम है जो रुके हुए हैं। हमारे डीन साहब भी उसे कहते हैं काम करो, तो डीन से भी ऊपर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है।
समयमान वेतनमान 5-5 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ वो नहीं कर रहा है। न्यायालय का आर्डर था कि जो नर्सें स्ट्राइक की थी उनका वेतन रोकना नहीं है, लेकिन वो पिछले 3 महीने से हम लोगों का वेतन रोक रखा है, वो न्यायालय के ऊपर हो गया। तो हम लोगों की मांग ये है कि ऐसे बाबू को वहाँ से तत्काल हटाया जाए और उसके मूल पद में उसे वापस करके स्टोर कीपर का चार्ज दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट में योग्य क्लर्क को बैठाया जाए जो उस चेयर के लायक है और सभी नर्सों का काम करे। और यहाँ तक की शिकायत प्राप्त हुई है, हमारी नर्सें बहनें कहती हैं कि वो काम के एवज में पैसे की भी मांग करता है, तो क्या शासन उसे काम के एवज में वेतन नहीं देती, क्या वो पैसा मांगेगा? तो ऐसा जो अत्याचारी बाबू है उसे तत्काल हटाया जाए। काफ़ी देर से चर्चाएं भी चल रही हैं आपकी और अधिकारियों की, क्या बात हो रही है? हाँ, डीन साहब और सुपरिटेंडेंट साहब हैं और डॉक्टर बजाज भी बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात हुई है और अभी वार्तालाप चल भी रही है और उसको हटाने के लिए आगे की कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा रहा है। नाम क्या? मेरा नाम अंबिका तिवारी, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन रीवा।